कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के जोन दो के डेलीगेट्स के चयन के लिए आज चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई। चुनावों में अनिल सोनी ने रविंदर पटियाल को 5-4 से हरा कर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद अनिल सोनी ने कहा कि यह पहली बार है कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर शहरी क्षेत्र से कोई व्यक्ति जीत कर आया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के और अधिक उत्थान में वे अपना योगदान दे सकें। आज हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट्स के चुनाव थे, जो सेक्टर 2 हमारी HKS सोसाइटी उसके अंडर आती है, तो उसमें आज हमारा चुनाव था जिसमें मैं और हमारे अपने रविंदर पटियाल जी हम दो ही कैंडिडेट थे, जिसमें कि मुझे 9 में से 5 मत मिले हैं, तो आज ये चुनाव संपन्न हुआ है। शहर की सोसाइटी का कोई भी डेलीगेट मुझे लगता है शहर से पहली बार बना है, और इसमें कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के लिए हमारा जितना योगदान बन पाएगा हम उतना योगदान करेंगे, और कांगड़ा बैंक के उत्थान के लिए हम अपनी जी जान से हम अपना, जब तक मैं इसका डेलीगेट रहूंगा, मैं अपना ईमानदारी से काम करके इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस मौके पर HKS सोसाइटी के सदस्य जोगिंदर ने कहा कि सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सहायता करना है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी पिछले 5 वर्षों से बेहतरीन काम कर रही है और सोसाइटी ने 20% डिविडेंड अपने खाताधारकों को दिया है। उन्होंने HKS सोसाइटी के सदस्य अनिल सोनी को जीत पर बधाई दी। सहकारिता की उन्नति के लिए हमीरपुर के प्रबुद्ध लोगों ने एक छोटी सी सहकारी सभा बनाई थी जिसका नाम है हमीर केशव सृष्टि। हमीर केशव सृष्टि का मुख्य उद्देश्य टेल एंड पे जो आदमी बैठे हैं उन आदमियों का आर्थिक स्थिति को गुणवत्ता लाना, सुधार करना, उनकी सहायता करना। ये एक सौभाग्य का विषय है कि ये सोसाइटी पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत है और पहली बार ही अपना जो शुद्ध लाभ है जिसे डिविडेंड कहते हैं 20% के प्रतिशत से अपने खाताधारकों को दिया है। और इसी सोसाइटी से पहली बार हमारे जो डेलीगेट बने हैं अनिल सोनी जी, उन्होंने कांगड़ा का कोऑपरेटिव बैंक का डेलीगेट का चुनाव जीता है। ये सहकारिता के लिए, उत्थान के लिए, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के लिए उत्थान हेतु ही कार्य करेंगे।